नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके एमडीयू के स्टडी मटेरियल और क्लासेस के बारे में। देखिए, आपने अगर एमडीयू में डिस्टेंस से एडमिशन लिया है और आपको डाउट है कि आपका स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा या आपकी क्लासेस कहाँ लगेगी या फिर क्लासेस कंपल्सरी हैं या नहीं, तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी काफी सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्टडी मटेरियल की और क्लासेस के बारे में, तो स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्लासेस आपकी कहाँ पे लगेगी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे करनी है अपनी प्रोफाइल लॉगिन। आपको प्रोफाइल जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मान लीजिए लॉगिन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू एडमिशन में, तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्पोर्ट्स स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विस कैंप का। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी एक क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका वही कोर्स शो करेगा जो कोर्स आपने अप्लाई किया है, जिस कोर्स के लिए आपने फॉर्म फिल किया है वो कोर्स यहाँ पे अप्लाई कर। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी मान लीजिए अगर यहाँ पे फीस सबमिट हो चुकी है तो भी आप नॉर्मली आराम से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है आप कर सकते हो ये यहाँ पे सिलेक्ट। आपकी डेट जा चुकी है फॉर्म की, देखिए जो लास्ट डेट थी वो थी 15 तारीख विद लेट फीस, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन चूज करके छोड़ दिया था तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अभी भी कर सकते हो। तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैं कोई भी एक चूज कर लूंगा यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सेकंड, प्लीज सिलेक्ट योर मोड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन की, तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कैंप का, ये आज से पहले कभी नहीं दिया था यूनिवर्सिटी ने, ये फर्स्ट टाइम दिया है। तो यहाँ पे कन्फर्म बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन जो अगर आप चूज करोगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल गया फिर उसको अगर आप प्रिंट करवाते हो तो आपको उसके अलग से पे करने होंगे चार्जेस, जबकि यहाँ पे जो आपकी फीस होती है उसी में आपका जो स्टडी मटेरियल का जो चार्ज होता है वो इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है ऑफलाइन। ऑफलाइन जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे तो देखिए कुछ इस तरह से एक थर्ड ऑप्शन आएगा, प्लीज सिलेक्ट योर वेन्यू ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विस कैंप। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दो बार दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो मुझे यही चूज करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एमडीयू डिस्टेंस में अगर बीए के लिए अप्लाई किया तो आपके पास कम से कम 10 से 15 कॉलेजेस होंगे अप्लाई चूज करने के लिए किसी एक को, तो आप वहां से अपने मर्जी से जो आपके नियर में हो कॉलेज वो आराम से आप चूज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो मैं इसको चूज करूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई करते हो या फिर एमकॉम के लिए अप्लाई करते हो तो भी आपके पास एक ही ऑप्शन होगा। ऐसे काफी खास सारे कोर्सेज होंगे जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन बीए की मेरे को कंफर्म है अगर आप बीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। तो देखिए सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव डिटेल्स का। आपको सिंपली ये डिटेल्स जो भी आपने फिल की है ये आपको सेव कर लेनी है। सेव डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कॉलेज नेम, कोर्स नेम, सेशन नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये आपका चूज हो चुका है स्पोर्ट्स सर्विस कैंप का। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके स्टडी मटेरियल है उसकी फीस की अगर हम बात करें, तो देखिए ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता अगर जो आपकी फीस होती है, जो भी आपकी फीस है जो आपने एक साल के लिए पे की है, उसी फीस में आपकी इंक्लूड होती है स्टडी मटेरियल की फीस। 1500 रुपये आपकी फीस होती है वो उसी में इंक्लूड होती है जो आप पे कर चुके होंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है ऑफलाइन का तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऑफलाइन चूज कीजिए, क्योंकि आपने स्टडी मटेरियल के लिए पैसे दे रखे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल लेना चाहिए।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं। देखिए, आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका आपको प्रिंट आउट मिला होगा, आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। अगर आपको फीस रिसिप्ट है आपके पास तो फीस रिसिप्ट भी आपको अपने साथ लेके जानी होगी। और जैसे कि प्रोस्पेक्टस में आपकी बार दिया हुआ था कि आपके आपकी बार जो आई कार्ड होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, तो अगर आपको आई कार्ड अगर इश्यू हो जाते हैं स्टडी मटेरियल मिलने से पहले तो आपको अपना आई कार्ड भी लेकर जाना होगा अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो। बिना इनके, बिना फीस रिसिप्ट के या बिना आई कार्ड के या फिर बिना फीस के एप्लीकेशन के प्रिंट आउट को आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी क्लासेस के बारे में, तो देखिए आपकी जो क्लासेस होती हैं 8 से 10 क्लासेस आपकी लगती हैं, वो क्लासेस भी आपको लेने जरूरी हैं आपकी बार, क्योंकि 75% अटेंडेंस आपकी बार होनी चाहिए आपकी दोस्तों। क्लास कहाँ पे लगेगी अगर उसकी बात करें तो क्लास भी आपकी उसी कॉलेज में लगेगी, उसी कैंपस में लगेगी जो आप यहाँ पे चूज करोगे। दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है कि आपको क्लासेस कहाँ पे लगने वाली हैं आपकी, आपका स्टडी मटेरियल है जो आपको वह कहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पे आपका मन करे आप मेरे को पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।